आज हम जिस बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो है कि आखिरकार बच्चों में बार बार लूज मोशन की समस्या क्यों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में। हमारे चैनल में हम आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी और उसके साथ ही हम आपके साथ बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जिस तरह बड़ों में मोशन की समस्या होती है उसी तरह ठीक नवजात शिशु मोशन की समस्या होती है, हालांकि कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। आज डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बच्चे की खुराक बड़ों से अलग होती है तो उसका मल भी बड़ों से अलग। शुरुआती 2 से 3 दिन तक बच्चे का मल काले रंग का होता है, फिर बाद में जब उसका पेट में दूध जाता उसके मल का रंग हरा और बाद में पीला हो जाता है। बच्चे का एक दिन में 8 से 10 बार पॉटी करना बात है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा पतला मल निकाल रहा है तो आपको उसे डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो थोड़ी ज्यादा पॉटी करते हैं और बाहर का या पैकेट वाला दूध पीते हैं तो कम करते हैं। अगर कभी बच्चे का पेट फुल हो जाए या पॉटी की जगह हवा और पॉटी दोनों बंद हो जाए तो एक इमरजेंसी है। स्थिति में आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है कि बदलते मौसम के साथ भी बच्चे को मोशन की प्रॉब्लम हो जाए। जब बच्चे को ठंड लग जाती है या फिर बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, इन दोनों सिचुएशन भी कई बार देखा गया है कि बच्चे को बदलते मौसम के साथ में भी मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे को ठंड लगने से मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सर्दियों में आप बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिए। अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा सर्दी है तो बच्चे के पेट गर्म कपड़े से सेक लीजिए, इससे बच्चे को आराम मिलेगा और उसके मोशन में भी राहत होगी। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आखिरकार मोशन की समस्या क्यों होती है, कैसे होती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।